शिमला जिला के रामपुर में आर्यव्रत एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिलाधीश शिमला आदित्य नेकी ने लोगों को सेवा से जुड़े कार्यों में आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने सोसाइटी के लोगों को नशे के खिलाफ अभियान चलाने के लिए साथ साथ सफाई व पर्यावरण संरक्षण में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान 30 बार से अधिक रक्तदान करने वालों, कोविड के दौरान सेवा करने से जुड़े लोगों और उन सफाई कर्मियों को जिन्होंने कोरोना से मारे गए लोगों के शवों का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया, उन्हें सम्मानित किया गया। जिलाधीश आदित्य नेगी ने भी रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए इसमें भी रक्तदान किया। गांवों से आए हुए लोगों ने समस्याएं सुनी। आर्यव्रत एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष कॉल नेगी ने बताया कि उनका प्रयास है कि समाज में लोगों को सही दिशा दें ताकि सामाजिक सद्भावना और एकता बनी रहे। समारोह में विशिष्ट अतिथि गुलाब परसेंटका ने भी लोगों से समाज सेवा में आगे आने की अपील की है। डीसी शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि आर्यव्रत एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के प्रयास सराहनीय हैं। ऐसे सामाजिक जागरूकता और सेवा से जुड़े कार्यों में प्रशासन की सक्रिय भागीदारी रहेगी। उन्होंने सोसाइटी ने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसे नोबल काम कर रहे हैं उनको हमने यहाँ सम्मानित भी किया है और उनकी जो है हौसला अफजाई भी करी है। तो इसी तरह के जो आयोजन है उसको हम और बढ़ावा देंगे और उसमें जहाँ भी प्रशासन की कोई भागीदारी था कि अगर जरूरत होगी तो उसमें डेफिनेटली हम लोग फुल्ली पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। संस्था के अध्यक्ष कॉल नेगी ने बताया कि उन्होंने रक्तदान शिविर के साथ साथ सेवार्थ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया जिसमें सेवा से जुड़े कार्यों में रुचि रखने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी एक संस्था है। हमारी संस्था द्वारा रामपुर में इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में रक्तदान शिविर एवं सेवार्थ नागरिक सम्मान समारोह यानी रामपुर क्षेत्र में ऐसा सेवा कार्य में रुचि रखने वाले ऐसे जो स्वयं सेवी है उन सभी लोगों को इस कार्यक्रम में डीसी महोदय के माध्यम से सम्मानित किया गया। ऐसे स्वयं सेवी संस्थाएँ जो लगातार कोरोना के समय में लगातार समाज सेवा में लगी रही ऐसे उन सभी स्वयं सेवी संस्थाओं को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया। 7 बार रक्तदान करने वाले रविंद्र ने बताया कि रक्तदान महादान होता है, लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। रक्तदान से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक सेवा का कार्य है। नमस्कार, मैं रविंद्र मंगल, 27 निवासी कोटगढ़ बटाड़ी, टाटा मोटर में जॉब करता हूँ। मैं 60 बार ब्लड दे चुका हूँ। मैं और भी जनता भाई लोगों से यही प्रेरणा रखता हूँ कि रक्तदान दे, इससे कोई कमजोरी नहीं, कोई नुकसान नहीं। जितना आप देंगे आपका शरीर स्वच्छ और एक भलाई का काम और भले का काम है।